दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो है आपको जो है सीसीटीवी कैमरे में माइक लगाना सिखाऊंगा। तो देख सकते हैं हमारे हाथ में जो माइक है, आपने अलग अलग तरीके से और माइक देखे होंगे, जैसे कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। तो माइक जो है अलग अलग डिज़ाइन के आते हैं, लेकिन वर्क जो है सेम करता है लगभग। ये मार्केट में आपको लगभग 100 से 200 के बीच में अच्छी क्वालिटी में माइक जो है आपको मिल जाएगा। मैंने यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन पे एक जो है अमेज़ॉन वगैरह का लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊँगा कि किस तरीके से आप जो है माइक लगा सकते हो किसी भी कंपनी के जो कैमरा है उसमें, चाहे आप कोई से भी कंपनी का कैमरा लगा हो आपके यहाँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरीके से आपको जो है लगाना है। ये ऑन लोकेशन वीडियो दोस्तों, इसमें केबलिंग में अगर आपको कहीं पर प्रॉब्लम आता है, समझ में नहीं आता है, तो हमारा केबल से रिलेटेड एक वीडियो है जो कि आप जो है जाके देख सकते हो। मैंने इसमें कोशिश किया था कि इस वीडियो को और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊँ, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाने की कोशिश किया था, लेकिन उससे क्या होता है वीडियो जो है लगभग 20 से 25 मिनट का हो जाता, इसलिए वो वीडियो जो है मैं नहीं बनाया हूँ, क्योंकि लोग इतना लंबा वीडियो देखना पसंद नहीं करते। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास जो है आपको जो है इजी वे में मैं बताऊंगा सिंपल से, जो भी आप प्रॉब्लम अगर आता है इसमें भी तो आप जो है मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं देखिए, यहाँ पास हमारे पास जो केबल लगा हुआ है अभी, जो ये जो है सीपी प्लस का ही केबल यहाँ पास लगाया हुआ हूँ मैं, लेकिन इसमें देखिए कौन से कलर आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पास आपको जो है एक जो है स्लेटी वाइट में आपको एक केबल दिख सकता है, और जो है एक आपको रेड केबल दिख रहा है। तो ये जो है हमारा किस में बीएनसी पिन में जो है लगा हुआ है ये केबल जो है, और जो है क्या देखिए कैमरे केबल में जो है ये जो अटैच है, ठीक है। अब जो है हमको क्या करना है, देखिए माइक लगाने के लिए मैंने जैसे कि यहाँ पास आपको बताया है कि यहाँ पास तीन केबल जो आपको दिया हुआ है माइक में, एक आपको रेड दिया होगा, एक ब्लैक दिया होगा, और एक जो है आपको वाइट दिया होगा। तो जो रेड और जो ब्लैक है वो तो हमारा पावर देने के लिए होता है माइक को, और जो यहाँ पास ब्लैक जो वाइट वाला जो केबल होता है वो हमारे जाके हमारा जो है DVR में अटैच होता है वो केबल जो है, और वो किस तरीके से होगा वो भी हम आपको इस वीडियो पे दिखाएंगे अभी। ये जो है दोस्तों ऑन लोकेशन वीडियो है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ। और जो है मैंने पहले भी आपको बताया था कि हम जो है ऑन लोकेशन प्रैक्टिकल वीडियो जो ही लाएंगे आपके लिए, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में और आ सके वीडियो जो है। तो देख सकते हैं मैंने जो है यहाँ पास एक्स्ट्रा वायर जो निकाला था, जो कि यूज़ नहीं किया था, येलो कलर का वायर जो है यूज़ नहीं किया था, उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पास वाइट वाले केबल पर लगाऊँगा। तो इससे रिलेटेड मैंने एक पोस्ट भी लिखा हुआ है दोस्तों, तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर जाके वो पोस्ट भी पढ़ सकते हो अगर आपको और अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पास बात यही है, अगर आपको शॉर्ट में बोल दिया जाए तो आपका जो DC केबल जो प्लस माइनस है उसको यहाँ पास प्लस माइनस जोड़ना है, और आपको जो सिंगल केबल उसमें बचता है, और यहाँ पास जो एक 3+1 का केबल जो बचा हुआ रहता है उस केबल पे आपको जो है उसको जो है कनेक्ट करना होता है। तो देख सकते हैं उसके बाद आपको कनेक्ट करने के बाद क्या करना है, इसको जो है सिंपल से अच्छे से आपको इसको टैप कर देना है फिर से। तो टैप करने के बाद जो है जैसे कि और भी आपने जैसे मैंने डिज़ाइन यहाँ पर दिखाया आपको, जैसे गोल कलर में आपको माइक आता है गोलाकार में, तो उसको जो है आप ड्रिल वगैरह करके टाइट कर सकते हैं स्क्रू में। और ये माइक जो है ये जो है आपको कैमरा के साइड में जो है लटका रहता है ये माइक। ये माइक की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, यहाँ ये माइक भी मैं ज़्यादातर यही माइक यूज़ करता हूँ मैं कैमरा लगाने में। तो देख सकते हैं ये जो है, तो केबल जो है आप अच्छे तरीके से कीजिए, ये केबल जो है इधर उधर दिखना नहीं चाहिए। आप जो है अच्छे से इसको टैप करने के बाद आप क्या करेंगे, फिर से जो है इसको जो है आपका जो BNC केबल है उसको लगा देंगे, और आपका जो DC केबल है उसको जो है आप जो है लगा देंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, हम जो है जाएंगे अपने DVR में। तो चलिए इसको जो है हम सेट कर देते हैं एक बार दोस्तों। इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, जो भी आपको इसमें इशू कुछ आता है वगैरह। तो बाकी तो सिंपल वे है, जो DC केबल का जो पावर होता है उसी में आपका जो कैमरा जो माइक का कनेक्शन होता है वो प्लस माइनस जाके वहाँ पास जो है फिट होता है, और जो है जो एक्स्ट्रा केबल जो हमने छोड़ा रहता है, ठीक है, उसमें जो है हमारा माइक का केबल जो है अटैच होता है, चाहे वो कोई सा भी कलर हो, आप कोई सा भी कलर छोड़े हों, चाहे ग्रीन हो वाइट हो, कोई सा भी कलर आप छोड़ सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो चलिए हम इसको जो है अच्छे तरीके से इसको जो सेट कर देते हैं।
चलिए, माइक जो है इस तरीके से आपको लटका रहेगा दोस्तों। अगर आपके पास, अगर आप गोल वाला माइक यूज़ कर रहे हैं तो उसको जो है आप ड्रिल करके भी रख सकते हैं। और ये केबल दोस्तों जो कि जाके कनेक्ट होगा हमारे DVR पे, ये आप मार्केट से ले सकते हो, 15-20 रुपए में आ जाएगा ये केबल जो है, ये कनेक्टर जो है। या फिर आपके पास कोई ऑडियो वीडियो केबल जो पड़ा होगा उसका भी कनेक्टर आप जो है काट के यूज़ कर सकते हो। इसमें जो एक सिंगल केबल होता है, अब जैसे कि मैंने वहाँ उस तरफ जो है हमने येलो वायर पे यहाँ पास कनेक्शन किया था, तो जिस भी केबल का हमने यहाँ पास कनेक्शन किया था उसमें भी ये वायर जो है छूटा हुआ है। तो इसी वायर में हमको क्या करना है, जो भी मैंने कनेक्टर आपको दिखाया है उस कनेक्टर को यहीं पास जो है हमको जो है क्या करना है, कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जो ऐसा होता है कि आपके सारे जितने भी पोर्ट्स हो, जितने भी कैमरा हो, उसमें जो है माइक लगना जो है पॉसिबल नहीं है। यहाँ पास जो है DVR में कुछ सेलेक्टेड जो है पोर्ट्स में ही माइक दिया होता है, और आप जो है उसी में जो है माइक जो है यूज़ कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनी के अलग अलग हिसाब से हो सकते हैं दोस्तों, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको जो है 4 नंबर पे ही रहे वो जो है आपका माइक का कनेक्शन, के 3 नंबर पे ही रहे। जैसे इस माइक पे यहाँ पास जो है मैंने यहाँ पास CP+ का यूज़ किया, 4 चैनल का DVR, तो इस मॉडल पे यहाँ पास जो है 1 नंबर पे दिया है 1 नंबर, और 4 नंबर पे मैं कोई से भी मैं लगा सकता हूँ एक में। और यहाँ पास 2 ऑप्शन दिया है दोस्तों, एक जो है ऑडियो इनपुट का दिया हुआ है, देखिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसके बारे में और अच्छे तरीके से। चलिए हम जो है इसको पहले अच्छे से इसको जो है लगा के इसको टैप कर देते हैं हम जो है। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पास इसको टैपिंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है प्लग करेंगे। कहाँ पास प्लग करेंगे, देखिए ऑडियो इनपुट जो लिखा हुआ है हम वहाँ पास इसको प्लग करेंगे, और जो है हम अपने सिस्टम पे जहाँ पास इसका मॉनिटरिंग होता है वहाँ पास इसको जाके लॉगिन करके चेक करेंगे कि कौन से नंबर पर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पास मैं श्योर हूँ कि 1 नंबर पर यहाँ पास मेरे को लगाना है, तो आप जो है चेक कर सकते हो आप में वहाँ पास इन कोड पर जब आप क्लिक करोगे, तो जिस भी नंबर के चैनल पर आप जो है क्लिक करोगे उस पर नीचे में आपको ऑडियो का एक ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आपको और अच्छे तरीके से समझने में जो है आसानी होगी। तो देखिए यहाँ पास 1 नंबर पे यहाँ पास है माइक का ऑप्शन, तो मैं यहाँ पास क्या करता हूँ, जो कैमरा जिसमें लगाया हूँ माइक, मैं उसको क्या करूँगा 1 नंबर पे यहाँ पास सेट कर देता हूँ पहले। चलिए मैं ये केबल निकाल के जो है क्या करता हूँ, 1 नंबर बना देता हूँ इस कैमरे को। तो 1 नंबर बनाने के बाद दोस्तों हम जो है क्या करेंगे, फिर जो है इसके सेटिंग में जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सेटिंग जो है बस करना है, बाकी आपका जो है फिर आपका क्या माइक जो है चालू हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा, 1 नंबर पर आ गया ये कैमरा जो है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लॉग इन करेंगे, जो भी आपका पासवर्ड है वो आप लॉग इन कर सकते हो। लॉग इन करने के बाद आपको कहाँ जाना है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। लॉगिन करने के बाद जो है दोस्तों आपको जाना है सिंपली कैमरा में जाना है, और देख सकते हैं यहाँ पास कैमरे में जाने के बाद दोस्तों आपको जो है इनकोड पे जाना है। इनकोड पे जाएंगे तो यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास सबसे पहले आपको चैनल जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है किस में माइक दिया हुआ है। तो आप नीचे में देख सकते हैं एक ऑप्शन आपको दिखाएगा ऑडियो एंड वीडियो का, तो ये ऑप्शन जो है दोस्तों उसी पोर्ट पे दिखाता है जहाँ पास आपका जो है माइक आपको लगा सकते हो, उस पोर्ट पे ये जो है दिखाता है। तो क्या करना है, इसको आपको सिंपली सेव करना है, मतलब टिस पे टिक करके सेव करना है। ये जो है CP+ का है तो इस तरीके से इंटरफेस दिखा रहा है, अगर दूसरी कंपनी का दूसरा इंटरफेस दिखाएगा।